ट्रीटमेंट के दौरान कभी कभी आप देखते हैं कि आपके एनिमल की स्किन पेपरी है, यानी उसकी सभी रिब्स आराम से दिख रही है, खोल धसी हुई है और एनिमल हेड डाउन पोजीशन में खड़ा या बैठा हुआ है। इसके साथ साथ इसका गोबर बोझा टाइट आ रहा है और कभी कभी इसके चारों तरफ एक म्यूकस की लेयर भी है। एक कंडीशन इंडिकेट करती है कि हमारे एनिमल को एनर्जी ग्लूकोज से ना मिलकर कीटोन बॉडी से मिल रही है। ग्लूकोज की बजाय कीटोन से एनर्जी मिलना, यह कंडीशन कुछ उतनी खतरनाक है जैसा कि हम पेट्रोल गाड़ी को डीजल चलाते हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में कीटोन बॉडी ब्लड को एसिडिक कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कीटो एसिडोसिस, जिससे कि हमारे एनिमल के वाइटल ऑर्गन लंग बैन किडनी बुरी तरह डैमेज हो सकते हैं, जो कि हमारे ट्रीटमेंट को और ज्यादा मुश्किल कर देता है। इसलिए आपसे निवेदन, अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ लिक्विड हिपोटोनिक प्लस भी यूज करें। हिपोटोनिक प्लस इसका सीपेप्टाइड या प्रोइंसुलिन ग्लूकोज चैनल को ओपन कर देता है, जिसके कारण हिपाटोनिक प्लस के प्रोपाइल ग्लाइकोल से बनने वाली ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर कर पाती है और तुरंत एनर्जी दे पाती है। अब जैसा कि हिपाटोनिक प्लस बॉडी को इंस्टेंटली ग्लूकोज की आपूर्ति कर रहा है, तो जिससे कि फैट का ब्रेकडाउन कम हो जाता है और कीटोन बॉडी और फैटी एसिड का बनना लगभग लगभग खत्म हो जाता है। दूसरे शब्दों में अब पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल से ही चल रही है। यदि आप इस तरह के केसों में हिपाटोनिक प्लस 300 ml पर डे फॉर ए वीक यूज करते हैं, तो शुरू के 3-4 दिन में एनिमल का बिहेवियर और फीडिंग नॉर्मल हो जाती है और इसके 3-4 दिन के बाद एनिमल की बॉडी कंडीशन और प्रोडक्शन भी नॉर्मल हो जाता है। बेहतर सक्सेस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, अपने ट्रीटमेंट की शुरुआत नीड से करें। जैसे कि आप जानते हैं, नीड गट में से जो भी गंदगी है, टॉक्सिन, गैसें, सबको बाहर निकाल देता है, और जैसे कि आप जानते हो, यदि गट साफ तो आधी बीमारी खत्म। नीड के निर्माताओं द्वारा एक विनम्र प्रस्तुति।